कल सुबह में निकला मॉर्निंग वॉक पे, लीक चाय बैठा चौक पे। मेरे आधार कार्ड पे जो नाम है आमिर अजीज, वही बहुत सारी परेशानियां खड़ा कर सकता है। सूरज उगा नहीं था अब तक चांद फलक पे, अब भी बाकी था। बिना ये जाने के मैं क्या सोचता हूँ, रिलीजन को लेके मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, और जात को लेके मैं क्या समझता हूँ, इंसानियत को लेके मैं क्या समझता हूँ। नशे में लड़खड़ा रहे थे सितारे, मेरे संग बैठा चाय पी रहा सा। कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आमिर अजीज तुम क्या सोचते हो दुनिया को। वक्त फजर गुजर गई न हुई अजा, मैंने पूछा क्या बात है, क्या मस्जिद हो गई बंद। तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त जो है वो हिंदू है कि मुसलमान है, तुम्हारी महबूबा हिंदू है कि मुसलमान है, तुम होली खेलते हो कि नहीं खेलते हो, ये कोई नहीं पूछेगा। साकी ने कहा टूट गई मस्जिद, होती नहीं अजा, इबादत करने वाले रह गए थे बहुत चंद। अब्बा के अब्बा यहाँ पैदा हुए, वो जो मेरा अब्बा के जो बेस्ट फ्रेंड है हमारे घरों में जो आ रहे हैं, उनका हमने कभी रिलीजन पता नहीं किया। हम होली में जहाँ जाते थे खाने के लिए, दिवाली में हमारे अब्बा हमको पटाखा लाके दे रहे हैं। हवाएं सर्द थी, मौसम खुशनुमा था, बस पास में बैठी एक छोटी बच्ची थी गमगीन। मुझे एकदम से एहसास होने लगा है, लोग एहसास करने लगे हैं एक्टिवली कि तुम्हारा नाम ये है, ये हो सकता। जमीन पे ओस पड़ी थी, मैंने ओस चख के देखा, ओस थी नमकीन। तुम्हारा नाम ये है, तुम ट्रेन में ये बात मत करो। और साकी ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है। मैं चला आगे, सुबह बस हो ही चली थी, आगे जाके एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, ना दाल है ना चीनी ना नमक। दुकानदार ने कहा पूछा है इस बार ना पूछना, दोबारा दे रहा हूँ सबक। दिस पोइट्री दिस सॉन्ग, ये मजबूरी। मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, सो बेच रहा हूँ गफलत। और साकी ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है। जिन लोगों के दिमाग में ये विजुअल्स घूम गए मेरे गाने के साथ, वो मैं मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उनका रिप्लाई मैं कैसे करूं। वो नजारा रूबरू था मेरी नजर से। कोई आर्टिस्ट ये नहीं चाहता कि उसका गाना सुन के लोग दुखी हो जाए, रोए, परेशान हो जाए। सब चाहते हैं उसको सुन के लोग खुश हों। दो लाशें लटक रही थी एक ही शाख। इतनी बड़ी आयरनी है, काफी सारे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि एट द एंड आई क्राइड। सब चीख चीख के बतला रहे थे कातिल कितना महान। एक वक्त ऐसा है जिसकी जरूरत एक ऐसा नज्म, एक ऐसा गाना बन जाता है जिसको सुन के लोगों को रोना पड़ जाए। बस एक पागल कुत्ता आवारा था, जो भौंक भौंक के कर रहा था ये फसाना बयान, कि एक जानवर के बहाने कत्ल किए गए इंसान है। झारखंड लिंचिंग का जो इमेज है वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, अभी तक मैं वो सॉल्व नहीं कर पाया हूँ कि इंसान और इंसानियत का हश्र ऐसा कैसे हो सकता है। ये देख कर यूं मेरे लब मुस्कुरा गए, था इंतजार जिसका वो अच्छे दिन आ गए। आइए सरजमीन हिंदुस्तान देखिए, हर रोज एक नुचता खुसटता हुआ इंसान देखिए, और देखे से मेरी दीद के टुकड़े हुए हजार, देखे से मेरी दीद के टुकड़े हुए हजार, हर टुकड़े में हजार टूटते अरमान देखे।